वेलकम टू सियासत मना है कराची के अंदर टेंशन इस दफ़ा खुफ़िया नुमा टेंशन क्योंकि बाहर बजा, आपके अंदर रोड्स के ऊपर इस दफ़ा टारगेट किलिंग तो नहीं लेकिन भत्ता माफिया हमारी ताजर बरदरी के ऊपर जो, जो काम कर रही है जो हमारी ताजिर बरदरी के साथ पहले ओल्ड सिटी के अंदर कहा जाता था कि एक जुल्म सा है जो कि उसके ऊपर एक डेली बेसिस के ऊपर भत्ते के अंदर अगर आप शेर शाह मार्केट को देख लें तो उसके अंदर छः लाख रुपये योमिया कलेक्ट होता था इस भत्ता इसके ख़िलाफ़ अब एक एहतजाज एम क्यू एम ने उसका फ़ेस बन के आज उसको सामने लाई सुबह को सिंध असम्बली के अंदर शोर मचा बहुत ज़्यादा शोर मचा उन्होंने पैम्फ्लेटियरिंग की उसके बाद वो फटी और उनकी लड़ाई भी हुई पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के साथ गर्मा गर्मी भी हो गई इसके ऊपर और कराची की सूरत हाल और कल प्रेजिडेंट का जो एक जॉइंट सेशन से खिताब है तारीख़ी खिता है उसके ऊपर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है शेख रशीद अहमद साहब को हमारे स्टूडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर इस सब कुछ से पहले आपके एक दो हॉबी हॉर्स है एक तो बेचारे गिलानी साहब हैं और दूसरे ये मेमो गेट है तो शुरू करते हैं गिलानी साहब से सर वो गए एक कॉन्वकेशन में एक कॉलेज के अंदर कनेड कॉलेज फॉर वीमन में उन्होंने तकरीर करी और बड़ी उन्होंने धुआंधार सी तकरीर करी उन्होंने कहा कि मैं जी छः महीने जेल जाऊँ या सजाए मौत भुगतूँ यानी कि उन्होंने इशारा किया मैं ये खतवत नहीं लिखने वाला हम लोगों की तरफ़ इशारा करते हुए कहा कि कोयले की दुकान पर बैठने वालों के कपड़ों पर आख आई जाती है और फिर अपनी दिलेरी का हिसाब दिया और पाकिस्तान में क्लास सिस्टम को भी थोड़ा सा हिसाब दिया कि मैं कोई पी नहीं हूँ मैं वज़ी अज़म हूँ आप किस तरह देख रहे हैं अब ये अब किस तरफ जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी देखें कोई पी भी होता ना तो जिम्मेदाराना बयान देता पी को भी पता है कि चाय का क्या टाइम है हाँ जी साहब का दरवाज़ा किसे खोलना है बदनसीबी है ये लाटरी वाले ईजी लोड है और पिन कोड भी किसी के पास है इनकी क्योंकि इस मुल्क में बदनसीबी ये है कि बाज़ लोग छोटे लोग बड़े घरों में चले गए और अपने आप को बड़े जमहूरीत पसंद और वफाशार और क्या कहते हैं कि मैं सदर से बाबा तुम प्राइम मिनिस्टर आसफ़ जरदारी साहब के हो या अठारह करोड़ लोगों के हो और छः महीने तो जेल में वो जाता है जो बर्तन पलीत करने जाता है जो झाड़ू लगाते हैं जिससे वो जेल गए नहीं सही तरह और अब तो जेलें भी आपको पता है कि जहाँ मोबाइल पहुँच गया है और जहाँ पे एक टाइम आने वाला है कि लोग जेल से ज़मानत ही नहीं कराएंगे टाइम पे साढ़े ग्यारह बजे दाल मिल जाती है खड़खड़ा के और ताज़ा रोटी मिलती है तड़का आदमी लगा लेता है और इनका जेल हाबी ये आदि मुजरम है ये लोग मतलब ये छोटे केस में बड़े केस में मुर्गी चोर अंडा चोर कार चोर गाड़ी चोर मुल्क चोर टैक्स चोर गैस चोर बिजली चोर ओ जी डी सी चोर मजहबी उमूर चोर रेलवे चोर पी आई ए चोर ये चोरों की आमाज गायें हैं इनके हाइड आउट हैं और ये बदनसीबी है कि वो कह रहे हैं कि मैं फंदा फंदा तो जुल्फकार अली भुटो के गले के काबिल था आपके गले इस काबिल नहीं है कि आपको फंदा लगे टिकट की लग सकती है आपको फंदा नहीं लग सकता शेख साहब थोड़ा सा तो थोड़ा सा अनफेयर है ना ये अब हैं जमहूरी वज़ी अजम सर अब हमें मिले हैं उनको सपोर्ट भी है सीखे भी हैं चार साल बड़ी बातें ठीक है वो पीरी मुरीदी की बातें कर जाते हैं कहते हैं कि मुझे अपनी गंदी गद्दी बड़ी अहम है और ये सारी बातें और ठीक है ये थोड़ी बात वोटों है। को बेवकूफ़ बनाने का दौर शुरू हो गया है ये मौसम बाहर लोगों के वो कशिश बनाने के लिए कोई इंडिया से ले आया या देव से लैपटॉप ले आया कोई बंदा अपनी और ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि, के लिए अच्छा है अच्छा इनके मुंह से जो गिरे वो गरीब की किस्मत है ये मुंह से तो नहीं गिर रहा सर ये तो बांटा जा रहा है ये तो सियासत के लिए बांटा जा रहा है देखें जिनके लिए बांटना जरूरी है उनको सिर्फ इस मुल्क में डांटा जा रहा है जी जिनको बांटना जरूरी है उनको सिर्फ डांटा जा रहा है और एक बहुत आ देखें ना लाहौर में लोग हाई पावर की लाइन पे चढ़ गए कि यार इतनी आमदनी होता जितना पुलिस वाले को देना पड़ता है बेसिक जो मसाइल हैं उसको समझने के लिए उसको जानने के लिए ये असम्बलियाँ आ रही हैं ये टीवी प्रोग्राम आ रही हैं यहाँ एक शो बड़ा लग जाता है उसको फॉलो करते करते सारे उस पर चले जाते हैं एक आदमी कहता है मैं ब्लैकबेरी भूल गया हूँ जी <laughs> मैं कोड वर्ड भूल गया हूं देखिए कॉम के साथ अब क्या तमाशा लगा एक सेकंड शेख साहब मंसूर एजाज ने भी उनका साथ दिया ये कहते हुए जी वो पिन कोड बड़ी लंबी होती है और लोग भूल जाते हैं ये तो उन्होंने भी मान लिया आप भी मान लें खुदा के वास्ते हुसैन पीछे पड़ गए हैं हुसैन जिस का नाम है वो सारी चीजें भूल सकती है ये तो फेयर सर वो जिस जिन्स का नाम है वो बहुत सारी चीजें नहीं भूलना उसे दिमाग के एक एक कोने में याद होगा और ये एक फेयर केस है दिस इज ए रियल केस मैं यकीन रखता हूं कि अदालतों ने अगर कौमी इशूज के फैसले न किए तो ये न हो इन अदालतों के फैसले हो जाए शेख साहब ये अगर आप जमूरियत में अगर यकीन रखें आप चाहे आप यार एक आप आदे अब आदे अब मुण मुण क्या ये लंगड़ी लूली करप्ट बेईमान मेरा मतलब है इस जमहूरियत की आप बात करते हैं जिसमें

सीखे, सीखे कौन हमें बेवकूफ बना रहे हैं कौम को आमर और डिकटेटर लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन लेट मी आस्क यू ए स्टेट वे क्वेश्चन जितने डिकटेटर थे जितने डिकटेटर थे फौजी आमर थे उनके साथ भी यही लोग थे ठीक है जी मैं अगर वजारते हैं गिनना शुरू तो आप परेशान हो जाएंगे सारे नहीं थे लेकिन मेरा में मेन थे ना मेरा मतलब है रजाऐसे नहीं थे लेकिन बाकी थे जरूरत है सर तो रजा रबानी की क्या हासियत है जब मैं कहता था एहतजा एहसन और रजा बानी को किसी ने घास नहीं डालनी देखें यहाँ दुल्हन वो जो पिया मन भाए इकतदार के मुजरे पे घुंगरू उसको डाले जाते हैं जो मन भाता है उसको यार ये मेरे ताल पे नाचेगा ये मेरी फ्रीक्वेंसी पे बात करेगा ये ये सारी जिनकी अपनी जमुरी और आजादी सोच है उनका इस दौर में कोई रोल नहीं शेख साहब एक फ्यूडल सोसाइटी है इस माशरे के अंदर पीर है इस इस माशरे माशरे के के अंदर के अंदर वो बहुत सारे लोग हैं जिनकी आपको भी जरूरत पड़ती है वो मौलाना है जिनका वोट बैंक है जिनके मदरसे हैं लेकिन सर ये 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 क्यों है, ये है आप पढ़े लिखे लोग नहीं नहीं इसलिए कि इस मुल्क में सांप के काटे की दवाई नहीं है उसको पैंतीस रुपए का वहां से तवीज मिलता है पंद्रह से लेके पैंतीस रुपए का देख के कपड़े देख के तवीज का भाव है इस मुल्क में कुत्ते के काटने की दवाई नहीं है कुत्ते के काटने के लिए वो दम कराने जाता है इस मुल्क में टीबी की दवाई असर नहीं करती इस मुल्क सब? में हेपेटाइटिस की दवाई दो नंबर की है। है। सब इस, इस मुल्क से में नहीं पचास दवाइयों के कारखाने सियासतदानों के हैं जो जाली दवाइयां बना रहे हैं के असर जो है वो हैं ठीक है सारी हर वो चीज जिसमें गरीब को टीका लगता हो दूध सियासतदानों का है चीनी सियासतदानों की है मुर्गी सियासतदानों की है फ्लोरिंग फ्लोर मिल सियासतदानों की है घी सियासतदानों का है और क्या देनी महंगाई हम नहीं, नहीं कर सकते आप, आप 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 तो हमें हमें नहीं आपको नहीं बोल रहे आप इन्हें कहें हमें आटा लंदन के भाव का दें हमें चीनी लंदन के भाव की दें हमें गोश्त ऑस्ट्रेलिया के भाव का दें तनख्वाह हमें क्या देते हैं कोई माशरे में आप जमहूरियत आपने रेलवेज़ के अंदर काम किया है सर रेलवेज़ मिनिस्टर रहे हैं आपने कोई पांच छह हजारिया सात इलेक्शन आप जीते हैं सर आप देखिए जब वो उसका टाइम आता है ना बजट का तो आधा पैसा फौज को दे देते हैं तो जो बाकी बचेगा उसी के अंदर सारा काम होगा शेख साहब देखें ये सारी काम आप सारे पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ फौज रड़कती है वो बेईमान माशरे के लोग नहीं रडकते जो सात मिलियन डॉलर स्विस बैंक में रख के जाते हैं मैं जमहूरियत पसंद हूँ जाओ ले लो नहीं करता इस सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए कि इसकी भी कोई इज्जत है कि यह भी खसो खशाक में मिलने जा रही है और जिस जमहूरियत के आप टारजनशिप की बात कर रहे हैं कि जनाब ये बड़ी इन्होंने कस्तन दुनिया फतःह किया आप हर आदमी फौज को करते हैं कर मैं आज जहाज में था जहाज में, में था एक कमांडर से मैंने पूछा मैं कराची आया हूं मैंने कहा सर आपकी बाजोड़ में कितने लोग शहीद हुए उसने कहा सिर्फ मेरे बाजोड़ में बाईसो लोग शहीद हुए अगर मैं आपको बताऊं कि एक एक जगह में निनानवे निनानवे लोग जख्मी हुए हैं फौजी अपने हाथ काट रहे हैं कि पर हम बिल्कुल, अपने और दुनिया में जिस तरह हो ये फौज बगैर सपोर्ट के लड़ी है अपने लोगों के तनखीद जब होती है टीवी स्क्रीन पे मैं बहुत बड़ा जमूियत पसंद बन सकता हूँ मैं इस्लाम को गाली दे बहुत बड़ा पॉपुलस बन सकता हूँ देखिये मैं ये आपके मंशूर में शामिल है लिबरलिज्म के मंशूर में शामिल है कि इस्लामी कुवत की फौज को जलील करें कुवतों की तजलील करें और इस मुल्क में लिबरल माशरे की तब्लीग करें और जमूरीत के लिए जियमें ये आपकी जमूरियत है जो सतारा जज कहते हैं खत लिखो कहते हैं नहीं लिखता भाई जवा जो, जो करना है मेरे लिए छह महीने झाड़ू दे दूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं करूंगा सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं बनूंगा सो दोनों में देखे एदर दी वे यू हैव टू डिसाइड सुप्रीम कोर्ट फैसला करें

तो आपकी क्या सोच है कि ये सारे पैसे डालो फ़ौज में बड़े ज़बरदस्त अदारा है ठीक है उसमें लादन पाँच साल बाद मिला मैं फ़ौजी जवानों की तनकीद नहीं सिर्फ फ़ौज की जो थाट प्रोसेस जो थिंक टैंक है इट लीज़ अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड ना मतलब आप, आप, आप जो जनरल्स हैं उनका जो थाट प्रोसेस है उनकी जो ताकत है वो मातहत होनी तो चाहिए पार्लियमान के या नहीं लेट मी से वे कि एक फ़ौजी को आप गंद एक कोठी के बाहर जिसके चार कमरे हैं उसको चार सूबे भी कहते चार कमरे हैं उसको गन दे के बाहर बैठा दो कि तुम इन चारों जहाँ सूबों में डकैती हो रही है चार घरों में आग लगी हुई है चार घरों की शतीरियाँ गिरने वाली हैं चार कमरों में नीचे से पानी आ गया तू बचा बाहर खड़ा रहा संतरी गार्द बन के क्योंकि तू जमूरीत का रखवाला है और तू जमूरीत तू क्योंकि तुम टैक्स पे पल रहे हो क्योंकि तुम इन चारों चोरों के इकट्ठे किए हुए माल में से आपको बजट में से हिस्सा मिलता है इसलिए तेरा काम यह है कि आप गन लेके सीधे देखें घर की तरफ ना देखें कि चार कमरों में क्या हो रहा है तो शेख साहब आप जरा फिर इस मिसाल में बताएं लाल हवेली पे आप एक चौकीदार रखते हैं और एक दिन उनको ख्याल आता है या एक सलार रखते हैं जो भी है बाहर

मुंधे हो जाए दरो दीवार इसके मिट जाए इसकी बुनियादें खड़ी रहने के काबिल ना हो तो, तो आप घर आपसे ले लें लें ना घर मेरा ले वो मुझे कहें ठीक करो शेख साहब ये शतीर जो है इसको कीड़ा लगा हुआ है सर ये सारे बड़े मगरमच्छ कीड़े हैं और अगर आप ना करें तो अगले दिन आपको बाहर निकाल बाहर निकालने की मैंने आपको नहीं की बात मैं आपको कह रहा कि आप कह रहे आप सारे बजट पे तनकीद करते हैं फौज खा गई फौज खा गई फौज हो गया ये हो गया ये आपको इस तरह खा जाते लोग माफ़ करना आपके बच्चे स्कूल ना जा सकते अगर ये फौज ना होती आप रात घरों सर, को सो ना ना, ना सकते काम करती हाँ, है ना काम सर। कर उनका है। काम है ना। उनका काम है है उनका उनका हमें बचाना उनका काम है हमें महफूज रखना लेकिन जो देखिए इस मुल्क है। को अंदर से खतरा है बाहर से खतरा नहीं है आप जो सारे थ्यूरिया बेच रहे हैं लोग पढ़े लिखा करो नहीं आप बेच रहे हैं आपने मार्केटिंग शुरू की हुई है इस मुल्क को बाहर से कोई खतरा नहीं है इस मुल्क को अंदर से खतरा है और जो जियो आप तबलीग कर रहे हैं ये सीटों सप्लाई लाइन की और फला ये टैंक अब इस तरफ से जाने की जरूरत नहीं है उधर से सामान वापसी की तो जरूरत हो सकती है इसलिए इस तरफ से अब टैंक जाए कि कल इनका रुख हमारी तरफ हो जाए क्या आप ये चाहते हैं कि हम दुनिया में जो सूरत हाल बदल रही है पागल मुल्क होगा जो हमारे साथ लड़ाई करने की सोचेगा कौन मुल्क होगा देखें जगराफियाई तौर पर हम इतने अहम हैं कि हर पागल मुल्क हमारे बारे में नोटिस रखता है नोटिस रखता है डरता है घबराता है ये नहीं सोच सकता सर कि हम आएंगे और कुछ कर लेंगे देखें दुनिया में ये, ये थ्योरी तो खत्म होगी ना कब्जा करने हाँ, की इराक में नहीं हो सका अफगानिस्तान में नहीं हो, में हो सका हाँ। उसको इकॉनॉमी डिजास्टर करने की है जी सो इकोनॉमिकली तो हम उस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमारा डिजास्टर होना है हमारा शेख साहब ये तो हमारी गलती है ना सर साढ़े आठ फीसदैक्स जमा करते हैं टैक्स जी डी पी साढ़े आठ फीसद है आधे से ज्यादा जाके हम अपने ये टैंकों तोपों एफ सिक्सटीन मिसल सब पे खर्च करके जो बाकी बचता है वो हमारे लोग खा जाते हैं तो हमारी गलती है ना देखें इस मुल्क में सिर्फ गरीब आदमी टैक्स देता है नहीं आप सिर्फ देता नहीं आप आप सिर्फ खुद ब खुद कट जाता होगा नहीं, मैं... जिसकी तनख्वाह से खुद ब खुद टैक्स कट रहा है वो टैक्स दे रहा है इस मुल्क में जिसको फार्म भरना पड़ रहा है वो परले दर्जे का झूठा है इस मुल्क में टॉप क्लास लोग पांच हजार रुपया टैक्स दे रहे हैं इट इट इज इज देखें मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक है जायज है टैक्स चोरों का माशरा है इस दुनिया में सारी दुनिया में टैक्स चोर है इतना आसान तो नहीं होता ना शेख सर जी आप, आप, आप पाकिस्तान में डेटा इकट्ठा करें कि बड़े बड़े मिल ऑनरों का कितना स्टे ऑर्डर हुआ हुआ है इन टैक्स चोरों का किसी के पास चालीस करोड़ लगा है किसी के पास सत्तर करोड़ लगा है उसने दो करोड़ का वकील कर लिया मैं भावलपुर जेल में था बड़ा परेशान था तेज तेज कहता हूँ एक तो घंटा गुजर जाता फट अब मुझे दो घंटे का प्रोग्राम करना चाहिए मैं बड़ा परेशान था मेरा मशक्ती कहने लगा कि क्यों परेशान हो मैंने कहा यार वालदा मर गई ये हो गया अपना उसने कहा कौन सा वकील किया है मैंने उसको बताया शेख अकरम मलक, रफीक साहब कहता तीन वकील करने से बेहतर था एक जज कर लेते <laughs> ये कैदी की सोच है कि वकील पर पैसे लगाने फजूल है देखें जब आप सत्रह जजों का फैसला नहीं मानेंगे एक सिविल जज का फैसला मानेगा लोग रोशनदान के केस का फैसला दे सकेंगे

है जी सो so, लोग इनसे लेक्चर लेंगे कि आपने दौलत बनाई कैसे दौलत छुपाई कैसे दौलत पकड़ी गई दौलत को रखी फिर, कैसे हाँ ये मेरे मतलब दिस इज द वे सो so, इनका तो कोई मुकाबला नहीं एंड एंड क्रू ज़दारी ज़दारी एं क्रू साहब साहब अब थक गए गिलानी साहब से उनके जाने का टाइम लगे बाज़ का मुझे शक पड़ता है आज मैं जहाज में सोच रहा था दिस में भी ये स्ट्रेटजी कि एक तो मुंह डाला जाए सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट मुंह खोले उसके अंदर यूसुफ रज़ा को डाल दिया जाए एक नया बंदा आ जाए नया बंदा भी कहे मैं ख़त नहीं लिखता देर लगे देर देर लगे, लगे और इस वक्त वो टाइम आ जाए लेकिन खुदा के हाँ देर है देर नहीं बहुत सारी बे भी फ्याजियों को बुला लेती हैं और लंबा लंगर खुल जाता है ये सब कई दफ़ा दुनिया में ऐसा हुआ देखें आज कोई बात कह रहा था कि हालात बर शरीर पाकों हिंद में अगर आप देखें तो इसके बारे में कोई आदमी प्रोडिक्शन नहीं कर सकता कि एक बड़ी लंबी चौड़ी बात जो है वो फैसला कौन उन में पहुंच जाएगी इन असम्बलियों की तरफ कोई नहीं देख रहा लोग मसाइल की तरफ देख रहे हैं जहां वो गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं वहां अपोजिशन को भी दे रहे हैं क्यों चार साल हो गए हैं लोगों को खौफ पैदा हो गया कि लोग रिवोल्ट ना करें लोग रिवोल्ट ना करें वोट डालते हुए अगर लोग वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए अगर लोग वोट की पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए भी हर प्रोग्राम के जरिए कहता हूं कि इनके साथ वही करना जो इन्होंने आपके साथ किया ठीक सर क्या करेंगे किसको करेंगे? हर हल्के में बेहतर फैसला कर सकते हैं कोई आवाज ही नहीं है हमारी अठारह करोड़ लोग गाजर मूली बैंगन कद्दू तोरी की तरह सड़ी हुई गली हुई फसलों की तरह मौसम खजां के उन बहके और टूटे हुए पत्तों की तरह कभी इस खेत में सेंचे जा रहे हैं इस पार्टी के खेत से निकलते से, हैं उस पार्टी करोड़ में लो करोड़ लोग हैं साढ़े अठारह करोड़ लोग हैं उनके साथ सियासत करने के लिए एक मुनजम जमात चाहिए होती है मुनजम जमात जो पहले पैसा बना लेता है फिर अपनी जमात को मुनजम कर लेता है कर लिया ना जो कमाता है वो लगाता है जो लगा हम तो देखें हम टीवी पे लोगों को कहते हैं अवामी मुस्लिम लीग भाई गरीब सता मसाइल सदा लोगों की जमात है आगे से बेहतर पोजिशन में दो साल भी हो गए हमें बट ये जो एक दिन की दुल्हन बनाते हैं घी का डब्बा दे के टीन का डब्बा दे के आटे का थैला दे के चीनी की बोरी दे के ये आपका गला काटते हैं लेकिन यही वो लोग हैं जिनको समझ नहीं जरूर फर्क होगा अगर इस दफा फर्क ना हुआ तो इस मुल्क की जमूरीत पे लोग बहुत सारी लाम तान करें आप समझते हैं कि इस दफा इलेक्शन में जाएंगे क्योंकि ये ये मीडिया का भी थोड़ा बहुत तो असर है शेख साहब शहरों में और शहरों में तो है जहां जहां केबल है वहां असर है लेकिन जहां केबल नहीं वहां देहाती खुद देखें यूरिया लेने जा रहा है देहाती फसल बेचने जा रहा है वो इंडिया की क्रॉप्स की कीमत से लेकिन शेख साहब ये हमारी केबल की वजह से शायद पीटीवी का मैं भी थोड़ा बेहतर हो गया है अब थोड़ी आगाही के साथ वोट आएगा इस तरह वोट नहीं, नहीं आएगा पीटीवी की तरफ कोई नहीं देख रहा तो आप आप समझते हैं बिल्कुल वही के मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉग पोलिटिकल वेपन जो है बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमारे सियासतदानों को अकल हो मिल बैठ के फैसला कर लें के टीवी पर कौन से मुखातिब हो जी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स चीज होनी चाहिए पार्लियामेंट के मेम्बरों का आपस में मुकाबला हो उस हल्के टाइम पे हो भले हाँ, न्यूट्रल भले हो भले हो। न्यूट्रल हो नहीं हाँ पे हो क्यों ना हो एट ए टाइम मेरा मतलब है ये नहीं यानी कंपेयर जो जो होस्ट हो वो न्यूट्रल कोई आदमी हो या फिर अपना कोई आदमी हो भले आधा आधा घंटा हर आदमी को मिल जाए वो कौन से खिताब करें बाकायदा तौर पर खिताब करें प्रोग्राम दें जी ये देखें किसी ने हेल्थ पॉलिसी दी है बिल्कुल किसी ने लेबर पॉलिसी दी है नहीं आई एग्री विद किसी ने ओवरसीज की पॉलिसी दी है किसी ने इस मुल्क में रेलवे की पॉलिसी दी है किसी ने कम्युनिकेशन की पॉलिसी दी है किसी ने हाईटेक देखिए मैं अगर कहूंगा तो सारा टाइम इस बकवास में जारी हो जाएगा इन्होंने लूट मार की पॉलिसी दी है आप किसी दिन एक वजीर को बुला लें जिसकी वजारत हो मुझे बुला लें अगर वो लाइव चल सके ये सब आएंगे लो... ये नहीं शेख साहब ये नहीं? तो ये ये देखिए अब, अब मसला क्या, क्या है अगर खजाने की बात करें तो फीज शेख को आए तो कौम समझ जाए कि ठीक है ये गलत है फीज शेख वहां दड़बे में बैठा होगा अगर गैस की बात हो तो आसिम शेख आए वो कहेगा नहीं मैं ईरान से गैस लेने जा रहा हूँ आसम हुसैन मैं ईरान से गैस लेने जा रहा हूँ अगर किसी और महकमे की बात देखें जो कंसर्न लोग हैं वो कॉम के सामने आके टीवी पे मुकाबला नहीं कर रहे और अपने लेते हकीकत से भी तो आ गई है सर हम तो जो कहना चाहें कह देते हैं उनको पता है ना कि चलाना कितना पैसा कितनी ढील कितना कपड़ा है हमारे पास काटने के लिए वो फिर वो उनको इस सब प, प, सर प, क्या ढील है आप बताएं आते? ना लोगों को आप बताएं कि क्या हो रहा है पहले नोट छाप रहे थे आप दूसरे बैंकों से ले रहे हैं

फिर लोग इसी तरह फैसले करेंगे जिस तरह लोगों ने लाहौर में कल बैंक लूटा है फैसलाबाद में लूटा है में लूटा है वाला खंबों में अच्छा तो तो मुलाजम चौकीदार मालक का बेटा उठा के ले जा रहा है आप बताए ना जो आप बात कह रहे हैं और सिविल वॉर क्या होती है मुझे बताए किसी पे आप यकीन नहीं कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान में गरीब होने जा मैं यकीन अगर नहीं होने जा रहा तो वो गरीब जो है उसके पास कोई हराम की कमाई है जिसने अपना भेस बदला हुआ है जिसके पास हक लाल की तनख्वाह है उसका गुजारा बहुत मुश्किल है और जितनी करप्शन माशी करप्शन मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास वो अल्फाज नहीं फाशी जिसे कहते हैं पाकिस्तान में फैल गई है गुर्बत की वजह से दुनिया के किसी मुल्क में इतनी नहीं शेख साहब तो फिर कोई कोई रियलिस्टिक आप मुझे सोल्यूशन दें सोलूशन आप एक एक करके चले ना एक तो मेरा सोलूशन है जो आपको पसंद नहीं लिबरल लोगों को बोले मौलाना अजीज़ साहब ने लाल मस्जिद वालों ने पहली दफ़ा फ़ोन किया चार साल बाद फर्स्ट टाइम तीन चार दिन पहले मौलाना अजीज़ साहब ने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ आप टी वी पर क्यों नहीं कहते कि छोटे से एक डिस्ट्रिक्ट पे इस्लाम का निज़ाम नाफज कर दें तीन चार दिन पहले मौलाना अजीज़ साहब का लाल मस्जिद वालों का फोन आया आप चिड़े नहीं रिलैक्स रिलैक्स देखें इस्लामिक निज़ाम है आता है आपके माथे पे बल इसलिए आ गए हैं कि मैं अगर इसमें मज़रत के साथ फिर आप कहेंगे कि नहीं शेख साहब मात इसलिए इसलिए वो उनका भी जो इस्लाम है ना उसके अंदर पहनते हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ के पहनने का नहीं होता खैर आप चाहते हैं वो मौलाना अजीज बुरका पहने और खातन ना पहने नहीं नहीं वो उन्होंने पहना था ना सर वो भाग रहे नहीं, थे नहीं, याद ये है आपको वो साल वो साल पहले तस्वीर भी आई थी खैर शेख साहब इस्लाम के निज़ाम के कोई खिलाफ बात नहीं है बात इस्लाम के निजाम की कौन कौन इस बात ये सारे निजाम इस्लामाबाद पर कब्जा ग्रुपों के और इस्लामाबाद पे इस्लाम के नाम से इस्लामाबाद पे मैशत के नाम से लिबरलिज्म के नाम से एक्सट्रीमिज़म के नाम से सोशलिज्म के नाम से कैमुनिज़म के नाम से पर बासठ चौंसठ सालों में अगर गरीब को कोई एक रिलैक्सेशन मिली हो आप मुझे बताएं जो चौंसठ में पी ए बेहतर थी आज बेहतर है चौंसठ में रेलवे बेहतर थी आज बेहतर है मुल्क के मामला उस वक्त बेहतर थे या आज बेहतर हैं अब इतने सारे हम मजाकर कर रहे हैं मैं खुद थक गया हूँ लेकिन क्या इसका रिजल्ट निकल रहा है अगर लोग सड़कों पे आएंगे तो फिर ये वापस नहीं जाएंगे अब ये वो सियासतदान नहीं सड़कों है पे कौन लाएगा शेख साहब कौन लाएगा इमरान खान ये बार बार कह के लोगों में एहसास पैदा हो रहा है कि बेशर्मी की जिंदगी बेजिम्मेदारी की जिंदगी और बेहिसी और बेअमल की जिंदगी से, से बेहतर है कि ये सौ दो सौ बंदे मर जाए नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं तो अगर शायद नवाज शरीफ ना निकले मेरा जैसा बुजदिल आदमी अब निकलने की सोच रहा है नवाज शरीफ साहब की अपनी नवाज शरीफ क्योंकि चार साल टिका के लगाने के बाद चार साल टिका के लगाने के बाद जब निकलता है आज मैं शबाज साहब को सुन रहा था जी उनका जज्बा बड़ा मुख्त था यही जज्बा सेनेट के पहले हो सकता था यही जज्बा अठारहवीं तरम में हो सकता था यही जज्बा बीसवीं में हो सकता था ये एक दिन ना चल सकते जनाब बीसवीं तरमी क्या कौन के सर पे कौन चढ़ा नवाज शरीफ साहब पुरानी सियासत अभी भी अगर शोर मच रहा हैं ये निकलेंगे वो निकलेंगे अखियार ये सब तो कौन मचा रहा है कौन सर चढ़ेगा मेरा ख्याल होगा अगर देखें ये माजरत के साथ एक बहुत बड़ा फर्क होगा लोग इतने सादा नहीं हैं जितना सियासतदानों ने समझ लिए देखें एक पढ़ा लिखा क्राउड है अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोट का हक मिल गया ये भी 12 10 7 8 परसेंट वोट को बदलेगा अगर 12 से 13 फीसद लोगों के वोटिंग में जिस तरह उत्तर प्रदेश में हुआ है जिस तरह यूपी में हुआ है अगर ये इकहत्तर और इक्यासी फीसद की पोलिंग स्टेशन पोलिंग परसेंटेज हो गई और इलेक्शन भी हो गए क्योंकि मुल्क जिस हालात की तरफ जा रहा है वहां किसी वक्त कुछ भी हो सकता है सो so, मैं ये समझता हूँ अगर ये हो गए तो यहाँ इलेक्शन के नतज मुख्तलिफ होंगे जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं होंगे लेकिन इलेक्टेबल कैंडिडेट्स में से किसी एक कोई वोट जाएगा चाहे पीपल्स पार्टी पी एम एल ए ने उनको ना जाए हम एक ब्रेक लेते हैं हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब हैं बड़े जोश में आज बात कर रहे थे हम शुरू की प्राइम मिनिस्टर साहब से आ गए शेख रशीद साहब की ओब्वियसली अपनी पर्सनल आइडियलॉजी पोलिटिकल आइडियलॉजी पे ब्रेक के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे या जो एम क्यू एम ने किया है और जो कल होने जा रहा है अगर पार्लियामान के सामने जॉइंट सेशन के सामने सदर खिताब करते हैं तो शेख साहब क्या देख रहे हैं या आखिरी एयरफरदारी पी बी पी या फिर अभी तो और है एक टर्म पूरा सियासत मना है फेसबुक डॉट कॉम स्लाइस सियासत पर जाके आप इस शो के ऊपर कॉमेंट कर सकते हैं यू कैन फिटीक डॉक्टर